मणिपुर में आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। पहले चरण में मणिपुर के 5 जिलों की 38 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। ये 38 विधानसभा सीटें मणिपुर के 5 जिले जैसे कि इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम, बिष्णुपुर, कांगपोकपी और चुराचंदपुर में फैली हुई है। इस पहले चरण में 15 महिलाओं सहित 173 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और 629,280 महिला मतदाताओं सहित 12,22,713 मतदाता वोट डाल रहे हैं। इस चरण में 15 महिलाओं सहित कुल 173 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम के 4 बजे तक चलेगी। जो मतदाता कोविड पॉजिटिव है या क्वारंटीन में है, उन्हें अंतिम घंटे में दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे के बीच मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं मतदान के मौके पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने वोट डालने के बाद दावा किया है कि पहले चरण की 38 सीटों में से 30 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। Uh, 75% of the, my constituency, my people will vote for BJP and for me. First phase election, we are having 38 seats. And Bharatiya Janata Party is expecting, out of 38 seats, we are expecting at least 30 seats in the first phase. Because it is the area which is holding the vote today. Is the old favorable to the Bharatiya Janata Party and the peoples of Manipur like Honorable Prime Minister Narendra Modi. आप इस पूरे खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय है, आप कमेंट बॉक्स में आएं, आपकी राय को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। और अधिक खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.